हेलो एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और खुश होंगे। और आज हम आई की थंबनेल से आपने देख ही लिया होगा कि आई की वीडियो आ रही है, तो आज हम स्पेशल सेंसेस में सेकंड सेंस जो हमारी साइट और आई है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज हम पढ़ेंगे आई के पार्ट्स, मतलब आज हम कंप्लीट आई को पढ़ेंगे, उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, कहाँ कहाँ पे होते हैं और वो उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है। ओके, तो थंबनेल से आपको बाकी सब समझ में आ गया है कि हमने आई पढ़नी है और मैंने आपको बता भी दिया है। अब तो हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स सेट स्टार्ट। अब आपको यहाँ पे मैं एक इमेज दिखा रही हूँ, इसमें आपको काफ़ी सारे पार्ट्स दिख रहे हैं, जैसे कि प्यूपिल, एरीज, कॉर्निया, स्क्लेरा, रेटिना, ऑप्टिक नर्व, लेंस, लेकिन यहाँ पे कुछ मिसिंग है, जैसे एंटीरियर चैम्बर, पोस्टीरियर चैम्बर यहाँ पे नहीं है, सिलरी बॉडीज़ यहाँ पे नहीं है, विट्रस फ्लूड और एक्वस फ्लूड यहाँ पे मैं शो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी, ऐसा नहीं कि यहाँ पे इमेज में शो नहीं है तो ये मिस हो जाएंगी, मैं आपको ये दिखाऊँगी। आगे हम इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं कि आई है क्या, आई होता क्या है, आई क्या वर्क करता है। इस तरीके से हम एक आई का शॉर्ट इंट्रोडक्शन लेंगे पहले, और उस इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि ऑर्गन ऑफ साइट इज़ नोन एज आई, और वी कैन से कि आई इज़ दी ऑर्गन ऑफ साइट, जिससे हमें दिखता है, जिसे हम विजिबल कर सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी ब्यूटीफुल प्लेस को या थिंग को हम जब देखते हैं तो वो हम आई की हेल्प से देखते हैं, इसलिए हमारा आई इज़ दी ऑर्गन ऑफ साइट है। ये हमारे ऑर्बिटल कैविटी में सिचुएटेड होता है, ऑर्बिटल कैविटी हमारी क्रेनियल कैविटी के अंदर होती हैं, जिसमें हमारा आई क्या है, सिचुएटेड है। हमारे पास 12 क्रेनियल नर्व्स है, उसमें से हमारी सेकंड क्रेनियल नर्व हमारी ऑप्टिक नर्व होती है, जो हमें विजुअलाइजेशन में हेल्प करती है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो हमारा ईयर होता है वो हमारा 8th क्रेनियल नर्व होता है, वेस्टिब्यूल कोक्लियर नर्व, जो हमें हियरिंग में हेल्प कर रहा था। उसी तरीके से आई हमारी सेकेंड क्रेनियल नर्व होती है, जो हमें विजुअलाइजेशन में हेल्प करेगी। और आपने देखा होगा कि आपकी जो आई का शेप होता है वो राउंड होता है, तो उसको हम राउंड नहीं बोलेंगे, वो स्पेरिकल शेप का होता है। आप लोग कभी एनाटॉमी लैब गए होंगे तो आपने स्कल का बोनी स्ट्रक्चर देखा होगा, तो आप उसे रिजेंबल कर सकते हैं। अगर मुझे पिक्चर मिलेगा तो मैं यहाँ पर लगा दूँगी स्कल की पिक्चर, तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो आई कैविटी है, या फिर आप कह सकते हैं ऑर्बिटल कैविटी है, वो स्पेयर शेप की होती है। तो उसका जो डायमीटर होता है वो 2.5 सेंटीमीटर का होता है, और जो हमारी स्पेस होती है ना, तो हमारी ऑर्बिटल कैविटी की साइड स्पेस, वो एडिपोज टिशू से बनी हुई होती है, मतलब जो बोनी वॉल होगी वो एडिपोज टिशू से कवर रहती है, और उस एडिपोज टिशू में फैट क्या हो जाता है, ऑक्यूपाइड हो जाता है, जिस वजह से कोई भी डायरेक्ट इंजरी हमारी आई में नहीं हो सकती है। तो हमारी आई प्रोटेक्ट, एक तरीके से वो एडिपोज टिशू प्रोटेक्शन का काम करता है हमारी आई के लिए, क्योंकि एडिपोज टिश्यू में क्या हो जाता है, फैट इजीली ऑक्यूपाई हो जाता है, फैट इजीली स्टोर हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो हमारी आई होती है ना, वो सेपरेटेड है, हमारी आई, दोनों आई सेपरेटेड है, लेकिन उनके कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनसे वो हमेशा पेयर लगते हैं। जैसे उनकी ब्लिंकिंग जो फंक्शन होगी वो आपके साथ में होगी, वो आपका विजुअलाइजेशन फंक्शन साथ में करते हैं, इसलिए वो जो कोऑर्डिनेट एक्टिविटी करते हैं वो इस तरीके से कोऑर्डिनेट करते हैं कि वो हमेशा मतलब पेयर लगता है। जैसे कि हमारे ईयर का पेयर लगता है, वैसे ही हमारा आई का भी पेयर लगता है। नेक्स्ट, अगर आप लोग कभी इमेजिन करें कि अगर किसी के पास एक आई नहीं है, या बाय द वे उसका डैमेज हो गया है, तो क्या वो देख सकता है अपने सिंगल आई से, मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो जी हाँ, वो देख सकता है, उसको हम बोलते हैं मोनोऑक्युलर विज़न। ओके, वो क्या होता है, मोनोऑक्युलर विज़न होता है, जो पर्सन सिर्फ एक आई से देख सकता है। वो जज नहीं कर सकता किसी की स्पीड और डिस्टेंस को, कि वो कितनी दूर खड़ा है और वो कितनी तेज़ी से आ रहा है, लेकिन हाँ वो देख सकता है, वो पॉसिबिलिटी रखता है कि वो क्या करेगा, विजुअलाइजेशन इजीली कर लेगा, बट 3D डायमेंशन पे वो विजुअलाइजेशन नहीं कर सकता है, किसी की स्पीड और किसी के डिस्टेंस का जजमेंट भी नहीं कर सकता है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ द आई। सबसे पहले हम देखेंगे कि आई की 3 लेयर्स होती हैं, वॉल कह सकते हैं हम उसको, तो एक तरीके से। तो पहली वाली जो लेयर होती है वो होती है आउटर फिब्रस लेयर, जिसमें दो ही हमारे जो पार्ट होते हैं वो आते हैं, स्क्लेरा एंड कॉर्निया।
नेक्स्ट आती है हमारी मिडल वेस्कुलर लेयर, जो हमारी कोरोइड, सिलरी बॉडी और इरीस को क्या करती है, कंटेन करती है। नेक्स्ट आती है हमारी इनर टिश्यू लेयर, जिसमें आता है रेटिना, और साथ में ही हमारी जो आई का स्ट्रक्चर है उसके अंदर आई बॉल होती है। आई बॉल जो होती है वो इंक्लूड करती है हमारा लेंस, विट्रस फ्लूड एंड एक्विस फ्लूड। तो ये हमारा रहा स्ट्रक्चर ऑफ द आई। आपके साथ यहाँ पे एक क्लिप ऐड कर रही हूँ, पिक्चर, जिसमें आपको सारे पार्ट्स मिलेंगे विट्रस फ्लूड को छोड़ के। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको सबसे पहले विट्रस फ्लूड ही बता देती हूँ कि कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो ऑरेंज जो आपको पार्ट दिख रहा है ना बीच में ही आई के, तो ये फ्लूड है। इस फ्लूड को हम विट्रस पार्ट बोलते हैं। कई बुक में आपको ये ब्लू कलर का दिखेगा, कई बार बुक में आपको पर्पल कलर का दिखेगा, तो कलर से फ़र्क नहीं पड़ता है गाइस। यहाँ पे ये रेड ऑरेंज मिक्स दिख रहा है, जो लेंस के बाद से स्टार्ट हो रहा है, जो आपको दिख रहा होगा गोल से कैविटी के अंदर स्पेयर में। तो आगे आप देखिए कॉर्निया, नेक्स्ट प्यूपिल, नेक्स्ट आपका इरीस, नेक्स्ट क्लेरा, देन आपका एक्विस ह्यूमर जो है ना वही एक्विस फ्लूड भी है। जो सस्पेंसरी लिगामेंट आपको दिख रहे हैं ना, सस्पेंसरी लिगामेंट को हम सिलरीज बॉडी उसके बगल में, मतलब पीछे सिलरी बॉडीज हैं, और सिलरी बॉडी से जो लेंस अटैच्ड है, जो लिगामेंट उसको अटैच कर रहा है ना, तो किसको, सिलरी बॉडी को और लेंस को जो लिगामेंट अटैच कर रहा है उस लिगामेंट को हम सस्पेंसरी लिगामेंट बोलते हैं, क्योंकि आपको इसमें सिलरीज बॉडी नहीं दिखाया है। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पे सस्पेंसरी लिगामेंट है वहीं पे ही नीचे से एक यू, उल्टा यू, वी कैन से ए शेप में एक मस्कुलर फॉर्म दिख रहा है। तो वो क्या है, वो सिलरी बॉडी है, वो लेंस से अटैच्ड है। तो हम नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्क्लेरा एंड कॉर्निया, दोनों एक ही साथ डिस्कस करेंगे। मैं आपको डिफरेंस बता दूंगी कहाँ पे स्क्लेरा बात कर रही हूँ मैं और कहाँ पे मैं कॉर्निया की बात कर रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मैंने स्क्लेरा एंड कॉर्निया दोनों ही साथ में लिया हुआ है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे का पार्ट है। वी कैन से स्क्लेरा का ही पार्ट कॉर्निया है, ठीक है। तो जो स्क्लेरा है वो हमारी आउटर मोस्ट लेयर है पोस्टीरियरली, और जो कॉर्निया है वो हमारी आउटर मोस्ट लेयर है आई की एंटीरियरली। अगर हम अपनी फ्रंट से आई को देखते हैं, जो आई हमारे विजिबल होती है उसमें हम आगे से जो फ्रंट पार्ट देखेंगे वो हमारा कॉर्निया होता है। तो वो एक तरीके से ट्रांसपेरेंट पार्ट है हमारी आई का, ठीक है। जो हमारा फ्रंट पार्ट जो होता है ना, फ्रंट पार्ट होता है, और यकीन से फ्रंट पोजिशन हमारी आई की कवर करता है, और इसका बस इतना ही काम होता है कि ये क्या करता है, रिफ्रेक्ट करता है और बेंड करता है हमारी लाइट को, कौन, कॉर्निया। लेकिन जो स्क्लेरा है वो हमारा पोस्टीरियर पार्ट ऑफ दी आई है, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर है, क्लियर रहती है, और ये क्लियर लेयर होती है प्रोटेक्टिव आउटर लेयर है हमारी, किसकी, आई की। ये हमें जो हमारा कॉर्निया है उसके जस्ट बिहाइंड क्या है, हमारा एक्विस ह्यूमर और एक्विस फ्लूड है। तो जो एक्विस, अगर कोई आपसे कोई क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स 2 मार्क्स का कि एक्विस ह्यूमर कहाँ लोकेटेड है, तो एक्विस ह्यूमर जस्ट राइट बिहाइंड दी स्क्लेरा, जनरली ओनली कवर्स दी आई ऑफ इंटीरियर। तो एक्विस ह्यूमर इज जस्ट लोकेटेड राइट बिहाइंड दी स्क्लेरा, विच जनरली कवर्स दी आई पार्ट। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा स्क्लेरा है और कॉर्निया है वो दोनों ही ट्रांसपेरेंट एपिथेलियल मेम्ब्रेन है, ओके। वो कंटिन्यू करती है फ्रंटली कॉर्निया एंड बैक टू एक्विस ह्यूमर, देन स्क्लेरा, ठीक है। और जो हमारी, मैंने आपको बताया था कि जो कॉर्निया का काम क्या होता है, सिर्फ रिफ्रैक्ट और बेंड करना लाइट को, और वो कहाँ को पास करेगा फिर वो लाइट को, हमारी रेटिना तक, ओके। तो नेक्स्ट हम लेंगे कोरोइड। कोरोइड लेने से पहले मैंने यहाँ पे एक क्लिप ऐड किया हुआ है पिक्चर का, जिसमें आपको दिख रहा होगा कि प्यूपिल, आयरिस और कोरोइड। जहाँ पे आपको कोरोइड दिख रहा है वो एक ऑरेंज कलर की मस्कुलर मेम्ब्रेन जैसी आपको दिख रही है, लेकिन गाइस वही मेम्ब्रेन के ऊपर वाइट कलर का जो आपको पार्ट दिख रहा है ना, वो है हमारा स्क्लेरा। और आगे वही वाइट, आप जिस ट्रांसपेरेंट शीट से आपको दिख रही होगी, उसी वाइट के आगे जो कंटिन्यूस में है वो है हमारा कॉर्निया। उसके राइट जस्ट बिहाइंड आप देखेंगे जो ब्लू कलर का प्यूपल है ना, सॉरी ब्लू कलर का इरीज है, इरिस से आगे एक
वाटरी, आपको वाटरी फ्लूट टाइप का दिख रहा है, वो फ्लूट क्या है हमारा? एक्वस फ्लूट, आपको समझ में आ रहा होगा। आगे से जो हमारी ट्रांसपेरेंट शीट, वाइट ट्रांसपेरेंट शीट दिख रही है, वो है कॉर्निया। उससे कनेक्टेड वाइट लाइन जो पीछे को जा रही है वो है स्क्लेरा। और जस्ट राइट बिहाइंड वाटरी कलर का आपको एक वो दिख रहा है इमेज, वो है आपका एक्वस फ्लूट। उसके बाद जो ब्लू कलर का दिख रहा है वो है इरिस। फिर जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है वो है प्यूपल। और साथ में ही आपको कोरोइड भी दिख रहा होगा। कोरोइड जस्ट स्क्लेरा के बाद वाली लाइन है। तो हम अब कोरोइड पे चलते हैं। कोरोइड हमारी क्या है? एक पोस्टीरियर लाइन है, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा ब्लड वेसल्स को कंटेन करती है और इसमें ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा है। ये डीप चॉकलेट कलर की होती है। मैंने आपको दिखाया अभी, तो मैंने आपको रेड कलर बोला, तो वो डीप चॉकलेट कलर की होती है। और ये क्या करती है? ये प्यूपल, ठीक है, जहाँ पे से प्यूपल एंटर करेगा लाइट, हमारे कॉर्निया ने बेंड करा और आगे पास करा। तो जब हमारा प्यूपल लाइट क्या करेगा? पास करेगा अपने उसमें से, तभी क्या करेगा? सेंसरी रिसेप्टर्स को क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा या फिर स्ट्यूमुलेट करेगा, एक तरीके से हम कह सकते हैं। कहाँ वो एब्जॉर्ब होगा? कोरोइड में एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लेंगे सिलरी बॉडी। सिलरी बॉडी का भी मैंने आपको इमेज पीछे दिखाया था, आप पॉज करिए और उस इमेज को दोबारा से देख लीजिए। सिलरीज बॉडी हमारे एक स्पिंचर की तरह होती हैं, ठीक है। ये कंसिस्ट करती है सिलरी मसल्स, और ये जैसे मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे स्पिंचर्स बताए थे, तो ये भी एक तरीके से स्पिंचर का ही काम करती है हमारी आई में, ठीक है। ये हमारे लेंस को अटैच करती है, लेंस को होल्ड करती है। किस लिगामेंट के थ्रू? मैंने आपको बताया था किस लिगामेंट के थ्रू, वो होते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स। जो हमारे सिलरी मसल्स हैं वो हमारी लेंस से अटैच होती हैं सिलरी सस्पेंसरी लिगामेंट के थ्रू। और जो हमारी सस्पेंसरी लिगामेंट होते हैं ना, वो किसकी तरह लगते हैं? स्पोक्स की तरह। आपने हमारे झंडे में जो हमारा भारत का फ्लैग होता है, हमारे इंडिया का फ्लैग है, उसमें जो व्हील है होता है ब्लू कलर का, उसके जो स्पोक्स होते हैं ना, उस स्पोक्स की तरह हमारे सस्पेंसरी लिगामेंट दिखते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये क्या करता है? ये कंट्रोल करता है साइज और थिकनेस ऑफ द लेंस को। साथ में ये इसका जो फंक्शन रहता है, उसका ये फंक्शन रहता है कि जो ये लेंस से अटैच्ड है, ठीक है, तो ये क्या करता है? उसका साइज, उसकी थिकनेस, सबको क्या करता है? कंट्रोल करता है। और साथ में ही ये एक्विस फ्लूट को क्या करता है? सीक्रेट भी करता है। इसमें एपिथेलियल सेल होते हैं जिसकी हेल्प से एक्विस फ्लूट क्या होता है? सीक्रेट होता है एंटीरियर सेगमेंट के आई में। एंटीरियर सेगमेंट ऑफ आई में क्या करता है? एक्विस फ्लूट को सीक्रेट करता है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस इरिस या आयरिस। आयरिस क्या है हमारा? एक विजिबल पार्ट है, कलर्ड होता है, किसी का ब्राउन, किसी का ब्लू, किसी का ब्लैक, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं। डिफरेंट मतलब यही मेनली कलर्स देखे जाते हैं। ये विजिबल क्यों है? क्योंकि हमारा कॉर्निया क्या है? ट्रांसपेरेंट है, जिस वजह से हमें आयरिस क्या होता है? विजिबल रहता है, ठीक है। ये कहाँ से एक्सटेंड करता है? हमारे सिलरी बॉडीज से एंटीरियरली क्या करते हैं? सिलरी बॉडीज़ के एंटीरियरली हमारे आयरस होता है, और ये डिवाइड करता है हमारी आई को टू सेगमेंट्स में, एंटीरियर सेगमेंट और एंटीरियर चैम्बर, पोस्टीरियर सेगमेंट और पोस्टीरियर चैम्बर, ठीक है। जहाँ क्या होता है? एक्विस फ्लूट होता है, और वो एक्विस फ्लूट कहाँ से आता है? मैं आपको बता चुकी हूँ, सिलरी बॉडीज़ उसे सीक्रेट करती हैं, ठीक है। आप कभी अपनी आई को ना ध्यान से देखिएगा, तो जो आपको ब्लैक पार्ट या ब्राउन पार्ट आपका दिखता है, उसमें टू हमारी क्या होती है? पिगमेंट्स होते हैं। एक होता है हमारा बड़ा वाला सर्कुलर, एक होता है हमारा सेकंड जो शॉर्ट सर्कुलर होता है। जो सेंटर वाला शॉर्ट सर्कुलर होता है उसको हम प्यूपल बोलते हैं, लेकिन जो बाहर वाला सर्कल होता है, ठीक है, बाहर से, वो हमारा आयरस होता है। तो हम कह सकते हैं कि आयरस के सेंटर में जो रेडिएटिंग सर्कल होता है वो क्या है? प्यूपल है। तो ये किसकी लेयर है? ये स्मूथ मसल फाइबर्स लेयर है जो हमें विजिबल होती है हमारी ट्रांसपेरेंसी ऑफ कॉर्निया की वजह से। और जो हमारा आयरस होता है ना, उसको हमारी पैरासिम्पेथेटिक एंड सिंपेथेटिक नर्व्स दोनों ही सप्लाई करती हैं,
ठीक है। और जो हमारा आयरस होता है वो जेनेटिकली डिटरमाइन किया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि आयरस ब्लू ब्लैक ब्राउन कलर का होता है, तो जो हमारा इसका कलर डिटरमिनेशन हो रहा होगा ना, तो ये कलर डिटरमिनेशन हमारा मैक्सिमम हमारा जेनेटिकली ही क्या होता है देखा जाता है, मैक्सिमम ब्लैक देखा जाता है, और ब्लू जो होता है वो बहुत कम लोगों में होता है, फ्यूअर, जैसे कि ऐश्वर्या राय बच्चन में है, फ्यूअर लोगों में होता है, वैसे और ब्राउन एंड ब्लैक इज़ दी मेन कलर विच इज सीन इन दी आयरस आयरस। वी विल डिस्कस दी लेंस। सबको पता है कि हमारे आई के अंदर एक लेंस है, जो हमारा लेंस बहुत ज़्यादा इलास्टिक और सर्कुलर है, और हमारा लेंस कॉन्केव है या कॉन्वेक्स, इसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है डाउट होता है। तो हमारा जो लेंस है वो बायो कॉन्वेक्स बॉडी का है, ठीक है, और ये जस्ट बिहाइंड दी, और वी कैन से इमिडिएट बिहाइंड दी प्यूपल होता है। ये बहुत सारे फाइबर्स को क्या करता है, कंटेन करता है एक ही कैप्सूल के अंदर, या फिर एक ही बायो कैनवर्स लेंस के अंदर, ठीक है। सिलरी बॉडीज़ जो हमारे लिगामेंट है, सिलरी बॉडीज़ हैं वो इसे क्या करती होल्ड करती हैं सस्पेंसरी लिगामेंट के हेल्प से। और साथ में ही मैंने आपको जब सिलरी बॉडीज़ में एक्सप्लेन कर रही थी तभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारी सिलरी बॉडीज़ होती हैं वो इसकी थिकनेस और साइज़ दोनों को ही मेंटेन करती हैं या फिर कंट्रोल करती हैं। तो यहाँ पे भी मैं यही बोलना चाहूँगी कि जो हमारी थिकनेस होती है लेंस की वो सिलरी मसल्स के थ्रू ही मेंटेन होती है। बेंड करना, रिफ्लेक्ट करना किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम देख रहे हैं तो ये सारा हमारा उसके स्ट्रक्चर पे डिफाइन करता है, और स्ट्रक्चर जो थिकनेस और ये सब है वो कौन कंट्रोल कर रहा है, सिलरी मसल्स। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि सिलरी मसल्स हमारा स्पेंचर्स की तरह वर्क करती हैं हमारे आई में। नेक्स्ट हम लेंगे रेटिना एट द लास्ट पार्ट ऑफ द टुडेज वीडियो। तो रेटिना हमारी सबसे इनर मोस्ट लेयर है हमारी आई की, ओके गाइस। और मैं आपको ना इसके एंड में कुछ पिक्चर्स दिखा दूंगी कि कहाँ पे रेटिना है, मैंने वैसे दिखाई हुई है, आप उस पिक्चर को ना वो भी कर सकते हैं। अगर आपको ना ऐसे पिक्चर देखने में प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे बता देना, मैं यहाँ पे पिन कर दिया करूँगी, छोटी दिखेगी इसलिए मैं ना करती नहीं हूँ क्योंकि वो बहुत छोटा दिखेगा आपको पिक्चर, और फिर आप उतना क्लियर नहीं हो पाएंगे और कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा। तो अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं यहाँ पे पिक्चर्स को पिन कर दूँगी। तो चलिए अब हम रेटिना के बारे में डिस्कस करते हैं। तो रेटिना जिस तरीके से हमारा इनर मोस्ट लाइनिंग है हमारी आई की, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा डेलिकेटेड होती है, ये बहुत डेलिकेटेड होती है। अगर कोई फुली ब्लाइंड है इसका मतलब उसकी रेटिना में क्या है, कोई डैमेज आ गया है, ये बहुत ज़्यादा क्या होती है डेलिकेटेड होती है लाइट रेज से, ठीक है। तो ये क्या करती है, ये बहुत सारे लेयर सेवरल लेयर से क्या है कंपोज्ड है, जिसमें बहुत सारी नर्व्स हैं जिनकी जो मतलब एक तरीके से इनमें एग्जॉन्स हैं, या ये पिगमेंटेड लेयर्स एपिथेलियल सेल से बनी हुई है, और लाइट सेंसिटिव लेयर भी है, और इसमें ना दो सेंसरी रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आपको पता है ब्रेन का जो हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट सेल है वो हमारा न्यूरॉन है, किडनी का नेफ्रॉन है, उसी तरीके से जो आई का है वो है रॉड्स एंड कोन्स, ठीक है, RODS रॉड्स एंड CONES कोन्स, मैंने यहाँ पे मेंशन किया होगा, आप नोट्स में देख लीजिएगा, ठीक है। जो क्या कंटेन करती हैं, फोटो सेंसिटिव पिगमेंट्स क्या करती हैं कंटेन करती हैं, और फिर ये लाइट रेज को नर्व इम्पल्सेस में क्या करती है कन्वर्ट भी करती हैं। कोई भी लाइट रे आई तो रॉड्स एंड कोन्स क्या होती है वो इम्पल्सेस में उसे कन्वर्ट कर देती हैं, किसको, लाइट रेज को, ठीक है। तो गाइस आज का वीडियो हो गया है काफ़ी ज़्यादा लंबा, आई थिंक सो ये 19-20 मिनट्स का तो हो ही गया है, इसलिए मैं यहाँ पे आपसे लूँगी विदा, या फिर कह सकती हूँ कि मैं कर रही हूँ इस वीडियो का यहाँ पे एंड। और आशा करती हूँ आपको आई के सारे पार्ट्स क्लियर हो गए होंगे। जो हमने रेटिना में रॉड्स एंड कोन्स पढ़ा था, मैं इस पर एक स्पेशल वीडियो बनाऊँगी कि व्हाट इज़ दी रॉड्स एंड व्हाट इज़ कोन्स, हाउ दे वर्क, और यहाँ पे दो सेल्स क्यों हैं, दोनों मतलब सेल्स का क्या डिफरेंट वर्क है, डिफरेंस क्या है इन दोनों सेल्स में, क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है।
तो मैं इस पर बनाऊँगी। अगर आपको फिर भी इसमें कोई डाउट है या आपको ये वीडियो और जल्दी चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट में बताइएगा, क्योंकि मुझे अभी एक दो दिन लगेगा इस वीडियो बनाने में। तो तब तक आप अपना रखिए खूब सारा ख्याल, और वीडियो अच्छा लगा है तो कीजिए लाइक, करिए शेयर और कमेंट। कोई भी डाउट है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो भी आप मुझे बता सकते हैं, बिकॉज़ आपके एक कमेंट से, आपके एक लाइक से